सो हेलो एवरीवन, अभी ना बहुत टाइम बाद मैं अपना ये मिनी व्लॉग लेके आ रही हूँ। कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अभी सुबह का 5:20 हो गया था, इनको ड्यूटी के लिए जाना था, इनके 24 घंटे की ड्यूटी लगी हुई है तो ये चले गए हैं ड्यूटी। और देवांश आ गया है अंदर, और अभी ना देवांश हेलमेट देखे बोल रहा है कि पापा हेलमेट नहीं लेके गए, तो बेचारा लेने की कोशिश कर रहा है। और मेरे को बड़ा प्यार आ रहा था इस पर कि इतना समझदार हो गया ये। तो अभी मैं यहाँ पर अपनी सब्जी काट रही हूँ, क्योंकि ये दोनों जगने के बाद ना अंशी अभी थक गई थी बीच में, फिर मैंने इसको सुला दिया लाइट वाइट ऑफ करके। देवांश को पता नहीं कौन सी मस्ती चढ़ी हुई थी कि वो सोने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मैं इसको बाहर ले आई। मैंने कहा चलो ये सोएगा तो है नहीं, तो मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि कोशिश की थी पर वो सोया नहीं, उसको मस्ती चढ़ रही थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपना सारा काम कर रही हूँ उसके साथ साथ, क्योंकि अंशी के साथ ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंशी एक तरफ फैलाती है और एक तरफ करती है, तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिए। और इधर अभी मैं आ गई हूँ किचन में, एक तरफ मैंने चाय रख दी, दूसरी तरफ मैं ना अपना सब्जी में तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ खाना बन जाएगा तो ठीक है। और अभी देवांश को ना निन्नी आ गई है, देवांश बोल रहा है मेरे को ले जा रहा है कि बिस्तर पे चलो, तो अभी जबरदस्ती मैं ले आई हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सब्जी में तड़का लगाना था। अपनी सब्जी कंप्लीट करके फिर मैं ले जाती हूँ देवांश को रूम में, तो अभी मैं सुलाने जा रही हूँ देवांश को, फिर मिलती हूँ। और फिर अभी देवांश को सुलाने के बाद ना अब मैं रिलैक्स होकर चाय पी रही थी, और चाय पीने के साथ साथ ही मैं आ गई थी आंगन में। आंगन में मैंने सोचा कि चलो कपड़े डाल देती हूँ, इधर मिरर भी साफ करना होता है क्योंकि बच्चे हाथ लगा देते हैं। ये मिरर मेरा साफ हो गया है, अभी मैंने पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही मैं सारा काम फिनिश कर देती हूँ। और अभी मैं नहा धो के हो गई रेडी, अब मुझे बच्चों के लिए खाना बना रहा है अपने कान्हा जी।